SHO से भी मैंने बात की है, तो बात में पता चला है कि छात्राओं ने एक जनरल आवेदन लिख कर दिया है। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में हॉस्टल के आसपास कुछ संदिग्ध लोगों का मूवमेंट रहता है, जिससे पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए। इसके लिए SHO को मैंने निर्देश दे दिया है कि वहाँ पुलिस की गश्ती बढ़ाई जाए, और किसी के ऊपर उन्होंने ऐसा आरोप नहीं लगाया है, अपने आवेदन में भी किसी व्यक्ति का जिक्र नहीं किया है। एक संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस थाना पर लाई थी पूछताछ के लिए, लेकिन उसके बारे में छात्राओं ने कोई ऐसा स्टेटमेंट या कोई लिखित शिकायत नहीं दी है। अगर छात्राएं या विश्वविद्यालय का प्रशासन कोई ऐसी बात, कोई स्पेसिफिक किसी के विरुद्ध कोई शिकायत पुलिस के संज्ञान में लाएगा, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैंने छात्राओं को भेजा है, जहाँ छात्राओं को समुचित प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है, वहाँ छात्राओं को आना बेकार है। मैं उनके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो क्या कोई आवेदन आपने लिख के दिया? अभी मुझे जानकारी मिली है, मैं यहाँ आई हूँ, मैं आवेदन को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे संरक्षक महोदय भी आ गए हैं, हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे कि इसलिए इस प्रसंग में क्या आगे कार्रवाई की जानी चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, और आगे भी जो छात्र पकड़ा गया है उसके साथ प्रशासन क्या सलूक करता है, ये भी ध्यान देने की बात है। बिल्कुल, हम हॉस्टल के गेट से ही निकले हैं, थोड़े ही डिस्टेंस पे एक आदमी बेलवागंज का है, वो अपना टॉयलेट कर रहा था, उसको बहुत गंदे तरीके से शो कर रहा था, और इसको लेके हम उसको मतलब पकड़े हैं और सारे को मारे हैं और थाना में आए हैं लेके। लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी से सब हम लोग बोल रहे हैं कि सारी लड़कियां वो थाना पे तमाशा नहीं करना है, हॉस्टल में आने के लिए। और